Hello, my dear students. Our topic is centralization, decentralization, and the importance of decentralization. Okay, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सेंट्रलाइजेशन होता क्या है. अगर आप ये डायग्राम देखोगे कि यहाँ पे इस डायग्राम का मतलब है क्या, इस डायग्राम का मतलब है कि ये एक स्टाफ है, इसे इसके लिए जाना है, कोई भी चीज इसे करनी है तो इसे इसका परमिशन चाहिए, इसे इसका परमिशन चाहिए, इसे भी कोई काम करना है तो इसे इसका परमिशन चाहिए, अगर इसे भी कोई काम करना है वो काम करने के लिए उसे इसका मशवरा चाहिए, ऐसे ही हर एक को इसका मशवरा चाहिए. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे हर एक अथॉरिटी एक इंसान के पास होती है या कुछ मैनेजर्स के पास होती है, दैट्स व्हाट यू कॉल सेंट्रलाइजेशन. क्या कहते हैं उसे, व्हाट यू कॉल दैट, सेंट्रलाइजेशन. ठीक है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स कंसंट्रेशन और रिटेंशन ऑफ अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकिंग एट हायर और टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. किसी को कुछ भी करना हो वो खुद नहीं कर सकता, पहले उन्हें हमसे मशवरा करना है, उसके बाद वो काम करेंगे. इज इट क्लियर? तो खुद कोई फैसला नहीं ले सकता, अगर उन्हें फैसला करना है तो उन्हें पहले हमसे राबता करना होगा. हम मीन्स टॉप लेवल, समझ आ रहा है? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे अथॉरिटी एक इंसान के पास है या एक ग्रुप के पास है, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी. इज इट क्लियर? एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे हर एक डिसीजन कुछ मैटर्स का आर टेकन बाय वन और मोर फ्यू मैनेजर्स, वन और फ्यू मैनेजर्स एट रिलेटिवली हायर लेवल. ठीक है, वो कोई छोटी लेवल नहीं होते, वो कौन सी होती है, हाई लेवल. से आई एम द ओनर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, मैं नीचे उसे कह रहा हूँ आप कोई भी फैसला खुद नहीं लेंगे, जो कोई भी काम आपको करना है पहले मुझे बताएंगे, आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप खुद काम करें. इज इट क्लियर? दैट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन. व्हाट यू कॉल दैट सिचुएशन, सेंट्रलाइजेशन. ओके, एन ऑर्गेनाइजेशन इज सेट टू बी हाईली सेंट्रलाइज्ड इफ टॉप मैनेजमेंट रिटेन्स एब्सोल्यूट अथॉरिटी फॉर मेकिंग ऑलमोस्ट ऑल डिसीजंस ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इन सच एन ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कम अथॉरिटी हम डेलीगेट करते हैं, मतलब किसी को कोई, मतलब कोई पावर नहीं होता है. सिर्फ पावर जो होता है किसे होता है, टॉप मैनेजर को. आर यू हियरिंग माय डियर? सो सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन होती है एक ऐसी सिचुएशन जहां पे अथॉरिटी रहती है एक इंसान के पास, ठीक है, या एक ग्रुप के पास या कुछ मैनेजर्स के पास, बाकी किसी को कोई अथॉरिटी नहीं होती है कोई भी फैसला करने के लिए. दिस कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन. ओके, इस डायग्राम से आपको समझ आया होगा ना. ठीक है, या इसे भी इसकी तरफ, इसे भी इसकी तरफ, इसे भी इसकी तरफ, अगर इसे कोई भी काम करना है तो इसे इसकी तरफ रुजू करना है, मतलब इसे इसकी तरफ देखना है कि नहीं, क्या हम ये काम करें कि नहीं. इज इट क्लियर? टफ मत लगा जी. सो इसका कंट्रास्ट, अपोजिट साइड, दैट्स व्हाट यू, ये थे हेनरी फायोल के प्रिंसिपल, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, यहाँ पे आ रही है टर्म. नाउ वी हैव डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि हर एक को अथॉरिटी देना, उसे हमें नहीं पूछना है क्या हम ये करें या ना करें, समझ आया? ठीक है, सो डिसेंट्रलाइजेशन इज अ प्रोसेस जिसमें डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज ऑल्सो गिवन एट एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. हमने डिसीजन अथॉरिटी ले दी, दी हमने उन्हें ताकि आप खुद डिसीजन ले सको, हमसे राबता करने की जरूरत नहीं है. दैट्स व्हाट यू कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. समझ आए? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन में क्या है, वो कोई फैसला खुद नहीं ले सकते, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि वो कोई फैसला खुद ले सकते हैं. सपोज मैंने अपॉइंट किए नीचे टीचर्स, मैंने उन्हें कहा इट्स अप टू यू आप कैसे पढ़ाओगे, आप खुद फैसला कर सकते हो, समझ आया? दैट्स व्हाट यू कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. समझ आ रहा है? अपॉइंटिंग मोर स्टाफ, अपॉइंटिंग मोर स्टाफ. ओके, अ सिस्टम इज फॉलोड इन विच डिसीजन मेकिंग इज डेलीगेटेड. डेलीगेट मीन्स गिविंग अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट, गिविंग अथॉरिटी टू वेरियस पर्सन्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. ये इंपॉर्टेंट है. इन अ डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी इज रिटेन्ड एट द टॉप मैनेजमेंट लेवल, मतलब एब्सोल्यूट खतरनाक मेजर डिसीजन जो होते हैं वो कौन लेते हैं, टॉप.
फॉर टेकिंग मेजर डिसीजन एंड ऑल्सो रिटेन्स अथॉरिटी फॉर ओवरऑल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इफ यू हैव टू कंट्रोल, कौन करेगा कंट्रोल? टॉप लेवल. हाँ, एट द सेम टाइम इसी के साथ द मिडल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स आर एंट्रस्टेड विद अथॉरिटी फॉर टेकिंग डिसीजन ऑन टास्क्स असाइन्ड टू देम. जो काम हमने उन्हें दिया है वो उसके बारे में डिसीजन खुद ले सकते हैं, उन्हें हमें बोलने की जरूरत नहीं है. समझ आए? सेंट्रलाइजेशन में वो कुछ नहीं कर सकते थे हमारे बगैर, यहाँ पे वो कर सकते हैं हमारे बगैर, वो डिसीजन ले सकते हैं हमारे बगैर. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. इज इट क्लियर? ये आते हैं 3 मार्क्स के अलग टर्म्स. व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? हेनरी फायोल ने कहा. हेनरी फायोल ने क्यों, फायोल में मैंने क्यों लिखा फायोल, क्योंकि ये किसके प्रिंसिपल है, फायोल के है ना, हेनरी फायोल के है ना. उसने कहा एवरीथिंग विच गोज टू इंक्रीज द सबऑर्डिनेट्स रोल, जो सबऑर्डिनेट का रोल बढ़ाएगा उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. क्या बेटा, क्यों जरा मुझे बताओ? मैं आपको काम दूंगा, आपका रोल बढ़ गया ना, जो ही मैंने आपका रोल बढ़ा दिया तो आप फ्यूचर के लिए अच्छे प्रोडक्ट हमारे लिए साबित हो सकते हो. यू कैन बी मैनेजर, यू कैन बी फ्यूचर मैनेजर. टफ लगा? समझ आ रहा है? एवरीथिंग विच गोज टू डिक्रीज इट इज, विच गोज टू इंक्रीज इज डिसेंट्रलाइजेशन, एंड एवरीथिंग विच गोज टू डिक्रीज इज. समझ आ रहा है? अब मुझे बताओ एक लफ्ज में, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है बेटा? सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि अथॉरिटी अपने पास रखते हैं हम, किसी को कोई अथॉरिटी. हाँ, अलबत्त हम कहते हैं दरवाजा खोल सकते हो आप, चाय पी सकते हो आप. हाँ, कस्टमर को क्या बोलना है हमारे बगैर? नहीं, हमें बोलिए. इज इट क्लियर? वो डिसीजन हम तक है, दैट्स कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन, आपको ये काम है आप तक है, आपके डिसीजन लोग. इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? ओके, नाउ आफ्टर दैट वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. अगर इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन भी आया, क्या आया? यही लिखना. क्या लिखना? यही लिखना. इज इट क्लियर? क्योंकि इनमें कम फर्क है, इनमें कम फर्क है. ठीक है, सबसे पहले डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर. डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर. डिसेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड्स अ चांस टू द एम्प्लॉयज टू प्रूव देयर बाई हैंडलिंग वेरियस असाइनमेंट्स इंडिपेंडेंटली. जब हम किसी को काम देते हैं, किसी को काम पे रखते हैं, तो उसे वो इख्तियार होता है काम करने का, होता है. जब वो काम करता है ना, विद दिस प्रैक्टिस दे डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर. जब मैंने आपको कहा कि नहीं आप खेलिए, आप खेलिए, आप खेलिए, आप में एक स्किल आता है. जब आप में एक स्किल आता है तो आप एक प्लेयर बन जाते हो. प्लेयर आगे वो हमारे लिए एसेट बन जाता है. इज इट क्लियर? टफ लगा? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? हमने आपको काम दिया, हमने आपको क्या दिया? हमने काम. मैनेजर देता है ना काम आपको. जब आपने वो काम किया, जब आपने वो काम, आपको इसमें स्किल स्पेशलाइजेशन आती है. जो ही आपको इसमें स्पेशलाइजेशन आती है, इट मींस आप आगे जाके फ्यूचर मैनेजर बन सकते हो. इज इट क्लियर? बट व्हेन यू राइट इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, यू विल राइट हियर डेलीगेशन. क्या ना, इतना सेंस आपने रखना है. डिसेंट्रलाइजेशन की जगह क्या लिखोगे आप? डेलीगेशन. इज इट क्लियर? ओके, समझ आया पहला पॉइंट. सेकंड वन, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज. देखो, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच मनी कांट बाय, विच मनी कांट बाय. आप मुझे बताओ, मुझे एक इंसान ने कहा कि अगर आप एक दिन में करोगे 500 पुशअप्स, लेट इट बी कितने, 500 पुशअप्स, हम आपको प्रैक्टिस सेशन दिलाएंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो से. क्या आपके लिए छोटी सी बात है, लेकिन जो फुटबॉल प्लेयर है ना, वो दिन रात करेगा. उसे क्या पैसा मिल रहा है? क्या उसे पैसा मिल रहा है? नहीं, उसे प्रैक्टिस सेशन मिल रहा है. किसके साथ? क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ. समझ आ रहा है? तो जब हम किसी को कोई काम देते हैं ना, उसे एक रिकग्निशन मिलता है. क्या मिलता है? रिकग्नाइज होता है. उस रिकग्नाइज से, उस रेकग्निशन से क्या होता है? वो मोटिवेट होता है काम करने को. क्या कहता है? क्या होता है वो? मोटिवेट. देखिए, वाइल पासिंग अथॉरिटी, जब हमने अथॉरिटी दी, द एम्प्लॉयज गेट रेकग्निशन. उसे क्या मिलती है? देखो, इससे पहले आपको कोई नहीं जानता है. अब मैंने आपको कहा चलो आ जाओ पढ़ाने. अब जब यहाँ पे पढ़ाते हो ना,
पढ़ाते हो, आपको एक रिकग्निशन मिलता है, नाम मिलता है, उस नाम की वजह से आप काम करते हो, विच एक्ट एज अ फॉर देम टू शो कॉज देयर, वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं ना। इससे पहले तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, इट एक्ट एज अ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, अगर पैसों से आप मोटिवेट हो जाओगे उसे कहते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव, पैसों के बगैर आप किसी चीज से मोटिवेट हो गए उसे क्या कहते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। क्या कहते हैं, पॉइंट समझे आप? नहीं, अगर हम किसी को काम पे रखते हैं ना, उसे लोग जानते हैं, लोग जानते हैं उसे, तो वो मोटिवेट होता है काम करने को। इज इट क्लियर? कितने हो गए, दो। थर्ड वन, रिलीफ फॉर टॉप मैनेजमेंट। लिसन टू मी माय डियर, देखो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है, ये वीडियो कोई और बना रहा है, ठीक है, पढ़ाया मैंने, अब कौन बनाएगा ये, कोई और, पहले मैं खुद बनाता था, अब कौन बना रहा है, कोई और, अब मेरा काम हो गया ना कम, सो रिलीफ फॉर टॉप मैनेजमेंट, इट रिलीव्स द टॉप एग्जीक्यूटिव्स ऑफ एक्सेसिव वर्कलोड एज द कॉमन एंड डे टू डे रूटीन्स आर असाइंड टू द, जो डे टू डे एक्टिविटी है ना वो हम किसे देते हैं, सबऑर्डिनेट को। समझ आया? मैनेजर को मत ये काम करने की जरूरत है। टफ लगा? टफ लगा बेटा, तीन चीजें। ओके, फोर्थ वन इज इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव व्हाट डज इट मीन, इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, उस वक्त एक ही लिखेंगे आप, मैनेजर्स पास देयर रूटीन वर्क टू सबऑर्डिनेट्स, द सेव टाइम कैन बी यूटिलाइज्ड बाय देम इन मेकिंग स्ट्रेटेजिक प्लान्स एंड प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू द फॉर फ्यूचर ग्रोथ। देखो जिस टाइम में वीडियो बनाता मैं इसी के साथ रहता, अब मैं मत बनाऊंगा वीडियो, इस टाइम मैं सोचूंगा कि बच्चों को हम कैसे पढ़ाएंगे अच्छे से। दैट्स व्हाट यू कॉल्ड इफेक्टिव मैनेजमेंट। क्या कहते हैं उसे? देखिए, मेरा काम किसी और ने किया, मेरा वर्कलोड हुआ काम, जो मेरा टाइम बचा उस टाइम पे मैं सोच सकता हूँ कि बच्चों को हम क्या करें। देखो मार्क माय वर्ड्स, हमने किया अराउंड 50% ऑफ सिलेबस कवर, कितना, 50%, एंड हियर 90% ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें नहीं आता, जिन्हें नहीं आता। अब मैं उनके लिए प्लान बना रहा हूं, मैं कैसे समझाऊं उन्हें। इज इट क्लियर? ये वीडियोस आप लोगों के लिए नहीं होते सिर्फ, ये उनके लिए भी होते हैं, क्योंकि जब वो उन्हें आता है ना मोटिवेशन पढ़ने का, जब ना एंड के 2 महीने होते हैं, फिर वो मेरे पास आते हैं, हमें पढ़ना है, फिर मैं उन्हें पढ़ाता हूँ उस वक्त। लेकिन उस वक्त वो क्या होते हैं, मैं प्रोफार्मा पढ़ाता हूँ, एक क्वेश्चन दिखाता हूँ और कहता हूँ कि 4 वीडियोज देखना, वो घर में फिर 4 वीडियोस देखते हैं आपसे ज्यादा, फिर आते हैं पढ़ने। समझ आ रहा है? सो वो दैट इज व्हाट यू कॉल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, अदरवाइज ये वीडियोस हमें जरूरत नहीं थे। ठीक, लोग आप सोचते होंगे ना सर तो पढ़ाता है, वीडियोस अवेलेबल है, कोई भी पढ़ सकता है। नहीं, ये बेनिफिट आप लोगों के लिए होता है। समझ आ रहा है? हेल्प्स इन एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, हम अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, हम अपना बिजनेस, the expansion and diversification of an enterprise need the service of more and more person. अगर हमें business बढ़ाना है, हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। जब मैंने company में आपको भी सिखाया था पढ़ाना, आपको भी सिखाया था, आप मुझे दूसरा ट्यूशन सेंटर पकड़ सकते थे। Is it clear? So with that purpose हम अपना business expand कर सकते हैं, कि नहीं समझा? Is it clear? The assignment of various tasks to subordinates will prepare them for undertaking new assignment. तो हम अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। Let it be my dear, he is from Kapwada. Where is from? Kapwada. अब मैंने इसे अकाउंटिंग अच्छे से पढ़ाई, मैंने कहा उसे चलो अब तुम्हें आता है, मैं कपवाड़ा में जैर कमर्शिया का एक ब्रांच खोलूंगा, ये पढ़ा सकता है ना वहाँ। जब ये पढ़ा सकता है तो बिजनेस, जब मैंने इसे पहले अथॉरिटी दे दी, जब मैंने इसे पहले सिखाया, ठीक। तो द लास्ट वन बेटा, ये क्विक डिसीजन मेकिंग है ना, ये सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन का पॉइंट है। कौन सा पॉइंट, याद रखिए बेटा, ये पॉइंट सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन का है। क्यों? इन डिसेंट्रलाइजेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेटेड, डेलीगेशन में रेस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट। समझ आ रहा है? सो सबऑर्डिनेट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज डिसीजंस। सबऑर्डिनेट क्या है, रेस्पॉन्सिबल अपने डिसीजंस का। ही डज नॉट नीड टू कंसल्ट एनीवन बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, दिस रिजल्ट्स इन क्विक डिसीजंस। क्विक डिसेंट्रलाइजेशन से क्विक डिसीजन होते हैं, क्योंकि जरा बताओ क्यों, क्योंकि हर एक को अपनी अपनी अथॉरिटी है ना, उसे पता है ना मुझे डिसीजन खुद लेना है, उसे मत किसी को बोलना है। सो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, क्विक डिसीजंस होते हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर ऑर्गेनाइजिंग यूनिट, आई होप आपको समझ आया। अगर आपने यहाँ तक देखा है एंड स्टिल यू हैवंट लाइक्ड आवर वीडियो,
please do like our video and share and subscribe is your love. Thank you.